हेलो गाइस, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं इंडियन टॉय स्टोर। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आऊँ तीन यूनिक चीजें जो दोस्तों आप लोग यार बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं किचन सेट लाओ किचन सेट लाओ। तो फाइनली दोस्तों मैं यहां पे ये मॉडर्न किचन सेट लेके आ चुका हूं। प्राइस की मैं दोस्तों बात करूँ तो ये कुछ 1100 रुपए के आसपास मिला है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे है यम्मी वाला किचन सेट जो दोस्तों बहुत ही छोटा वाला है। प्राइस की बात करूँ तो ये कुछ 120 रुपए के आसपास मुझे मिला है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे है वेज फ्रूट कैरेट, तो यहाँ पे ये जो सारे वेजिटेबल है वो आप लोग देख सकते हो। यहाँ भी दोस्तों इसकी प्राइस की मैं बात करूँ ये कुछ 600 रुपए के आसपास मुझे मिला है। तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो देखना तभी आप लोगों को मजा आएगा। मैं आपको बताऊंगा कि इन तीनों में से कौन सा वाला प्रोडक्ट आप लोगों को परचेस करना चाहिए, कौन सा वाला सही है आपके लिए। इस वीडियो का लाइक का टारगेट है 2000 लाइक, तो मुझे पहले दोस्तों आप लोग लाइक को जरूर पूरा करोगे। चलिए तो दोस्तों ज्यादा वक्त ना गवाते पहले मैं ये जो छोटा वाला किचन सेट है उसको ओपन करना चाहूंगा। चीजें दोस्तों उतनी ज्यादा मिलने वाली है नहीं, लेकिन जो भी है काफी कमाल का है। फर्स्ट हमें मिलने वाला है दोस्तों यहाँ पे क्रॉन, तो काफी बड़ा हमें क्रॉन मिलने वाला है। क्वालिटी की बात करूँ तो काफी अच्छी क्वालिटी है। और यहाँ भी दोस्तों हमें एक बॉक्स मिलने वाला है जिसपे दोस्तों लिखा हुआ है बर्गर पार्टी। तो ये बॉक्स है ना खाली है, सिर्फ आपको ऐसे ही 100 पीस के लिए मिलने वाला है। यहाँ पे टेप लगाई गई है और यहाँ पे है फ्रेश मिल्क, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फ्रेश मिल्क हमें मिलने वाला है। ये कैन है, क्वालिटी की बात करूँ तो काफी अच्छी क्वालिटी है। और यहाँ पे बड़ी वाली कढ़ाई, यार काफ़ी ज़्यादा वेट है इसके अंदर, कुछ होगा नहीं। नहीं यहाँ में दोस्तों ये जो प्लास्टिक है ना वो काफ़ी ज़्यादा मोटा है, आप लोगों को दोस्तों नज़र आ रहा होगा। ये है ना मुड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी हार्ड है। तो यहाँ पे आप लोग कढ़ाई देख सकते, जिसमें दोस्तों आप लोग सब्जी वगैरह पका सकते हो। पे है एक छोटी सी चम्मच, जो दोस्तों चम्मच है वो काफ़ी प्यारी सी बनाई गई है, ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, ये टूटने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर है एक प्यारा सा गैस स्टोव, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये देखिए यहाँ पर ऑन ऑफ का स्विच है, यहाँ पे यम्मी का स्टिकर भी लगा हुआ है। क्वालिटी की बात करो तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी हमें मिलने वाली है। तो चले तो दोस्तों यहाँ पे भी ओपन करते हैं वेज फ्रूट कैरेट को, तो इसकी भी क्वालिटी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। अंगूर का गुच्छा है, यहाँ पे फूल गोभी है, यहाँ पे ये पर्पल वाले अंगूर है, फिर यहाँ पे ये शिमला मिर्च भी है। यहाँ पे दोस्तों प्लास्टिक क्वालिटी की बात करो तो काफ़ी शानदार क्वालिटी हमें मिलने वाली है। और हूबहू दोस्तों जो रियलिटी सब्जी आती है वैसा ही मेकिंग किया गया है। और कलर भी दोस्तों आपको सेम ही मिलने वाला है, ये देखिए ये पटेटो, फिर यहाँ पे ये स्ट्रॉबेरी है, ये देखिए करेला, बच्चों का फेवरेट लेकिन ये दोस्तों खाने में ना बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। और यहाँ पे केले भी मिलने वाले हैं तीन, और एक छोटा वाला केला भी है, ये देखिए। तो यहाँ पे क्वालिटी की बात करो तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी हमें मिलने वाले हैं। प्लास्टिक भी काफ़ी वेस्ट है, ये हमें मिलने वाले हैं। ये कुछ इस तरीके के मशरूम हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत ही छोटे छोटे वाले, क्वालिटी भी काफ़ी स्टैंडर्ड है। और ये देखिए हमारा कैरेट जो हमें दोस्तों मेकिंग करना है, अभी के लिए इसको रखते हैं साइड में। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, ये देखिए ये फ्लावर, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, फिर बैंगन है, ये एक और करेला है या फिर कुछ और है, आप लोग दोस्तों कॉमेंट में ज़रूर बताना कि भाई ये क्या है। ये बैंगन है, ये लंबा वाला और ये मोटा, और ये दोस्तों मुझे जामुन जैसा लग रहा है, तो आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये क्या है। फिर ये मूंगफली, ये मूंगफली एक ही मिलने वाली है। फिर ये देखिए यहाँ पे ये कैरेट भी दोस्तों एक छोटा वाला मिलने वाला है आपको। फिर एक और बैगन है यहाँ पे, फिर ये मटर, तो आप लोग मटर देख सकते हो काफ़ी यूनिक से हमें मिलने वाले हैं। और दोस्तों जितनी भी सब्जी है ना वो सभी हमें मिलने वाले हैं, ये देखिए एक और मटर है यहाँ पे, ये कॉर्न, ये लेमन, कॉर्न भी दोस्तों हमें दो दो मिलने वाला है और लेमन भी दो है, ये देखिए क्वालिटी काफ़ी दोस्तों अच्छी है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हूबहू रियलिटी जैसा ही बनाया गया है। और ये हमारे जो नॉर्मल अंगूर आते हैं ना वाइट कलर के, वो भी हमें मिलने वाले हैं। फिर यहाँ पे एक और कैरेट है, यहाँ पे एक केला छोटा वाला, और कद्दू, यहाँ पे दोस्तों दो कद्दू भी मिलने वाले हैं, ये देखिए काफ़ी बढ़िया तरह से इसको भी मेकिंग किया हुआ है। और लास्ट में है मिर्ची, लाल मिर्च, तो ये आप लोग देख सकते हो। और ये रहे हमारे पहिए। तो दोस्तों जितनी भी सब्जी थी वो तो मैंने निकाल ली, अभी यहाँ पे जो कैरेट है उसको मेकिंग कर लेते हैं। तो प्लास्टिक क्वालिटी की बात करो तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी हमें मिलने वाली है, मजबूत भी है काफ़ी ज़्यादा, और यहाँ पर स्टिकर ऑलरेडी लगे हुए आए हैं तो लगाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए तो अभी स्टेप टू स्टेप इसको सेट करते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे फाइनली मैंने जो वेजिटेबल कैरेट है उसको मेकिंग कर लिया है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बन के तो यार काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगा है, जैसे कि दोस्तों यार सुपर कैरेट हो ना वैसा ही। और यहाँ पे आप लोग डिज़ाइन और प्लास्टिक की क्वालिटी भी देख सकते हो, काफ़ी अमेजिंग। और दोस्तों ये जो पहिए है ना वो घूमने वाले हैं बहुत ही ईजिली तरीके से, ये देखिए आप लोगों को नज़र आ ही रहा होगा यार काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग, मुझे यार बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और दोस्तों इसको आप लोग इजीली क्रिएट कर सकते हो, बहुत ही आसानी से ये क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे जितनी भी हमारी वेजिटेबल है वो तो इसके अंदर अटैच कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी जो कैरेट है वो ना वो फुल हो चुकी है, ये देखिए जो वेजिटेबल है वो आपको बहुत सारी मिलने वाली है। तो अभी दोस्तों बात करते हैं हमारे मॉडर्न किचन सेट की, जो भी है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। तो पीछे दोस्तों कुछ इस तरीके का फुल फ्रेम हमें मॉडर्न किचन सेट मिलने वाला है, यानी कि सिर्फ प्लेटफॉर्म ही है दोस्तों। तो फटाफट से इसको कर लेते हैं ओपन। तो बड़े ही दोस्तों इजी से ये आ चुका है बाहर। एक प्यारी सी डॉल हमें मिलने वाली है, तो यहाँ पे आप लोग डॉल देख सकते हो और काफ़ी प्यारी सी। और दोस्तों क्वालिटी की बात करूँ तो काफ़ी स्टैंडर्ड क्वालिटी हमें मिलने वाली है। फुल फ्रेम दोस्तों जो बॉडी है वो आपको रबड़ की मिलने वाली है। और ये आप लोग इसके शूज़ देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया तरह से मेकिंग किए गए हैं। यहाँ पे हेयर देख सकते हो काफ़ी शाइनिंग वाले हैं। यहाँ पे इसके हैंड मूव कर रहे हैं, पैर भी मूव कर रहे हैं और जो सिर है वो भी मूव कर रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों इसका जो ड्रेस है वो प्रिंटेड है, यहाँ पर कोई भी कपड़ा यूज़ नहीं किया गया, सिर्फ यहाँ पर ही कपड़ा यूज़ किया गया है। तो आप लोग देख सकते हो और काफ़ी कमाल। तो कुछ छोटी मोटी चीज़ें भी मिलने वाली हैं, बर्तन वगैरह, तो क्वालिटी आप लोग देख सकते हो। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नूडल्स है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये नूडल्स जैसा ही लग रहा है। क्वालिटी की बात करो तो काफ़ी स्टैंडर्ड क्वालिटी हमें मिलने वाली है, काफ़ी बेस्ट क्वालिटी है। इसके बाद यहाँ पे है ये केक है, तो यहाँ पे आप लोग केक देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग। फिर एक चम्मच हमें मिलने वाली है या फिर चिमटा भी आप लोग कह सकते हो, बड़ा वाला। और यहाँ पे है एक कढ़ाई, तो यहाँ पे नॉनस्टिक कढ़ाई आप लोग देख सकते हो। प्लास्टिक क्वालिटी की बात करो तो काफ़ी शानदार क्वालिटी हमें मिलने वाली है, काफ़ी बेस्ट क्वालिटी है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग मॉडर्न प्लेटफॉर्म देख सकते हो, मुझे दोस्तों उतना खास तो नज़र आ नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे ये कागज़ यूज़ किया गया है, आप लोगों को नज़र आ ही रहा होगा। और ज़्यादा भी दोस्तों कोई फ्यूचर नहीं है, यहाँ पे छोटी मोटी चीज़ें रखने के लिए एक ड्रॉअर मिलने वाला है जो आप लोग कुछ यूनिक रख सकते हो। यहाँ पे एक बेजिंग मिलने वाला है और एक प्यारा सा नल है, नल भी दोस्तों सिर्फ सोप इसके लिए है। यहाँ पे मॉडर्न गैस स्टोव भी मिलने वाला है, यहाँ पे दोस्तों सब्जियों को कटिंग करने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी है, ये देख सकते हो आप लोग। और यहाँ पे ये गैस स्टोव भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। यहाँ पे दोस्तों ये जो डोर है वो सिर्फ सोप इसके लिए ओपन होने वाला बिल्कुल भी नहीं है, इसके अंदर दोस्तों आप लोग छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हो। ये पता नहीं यार पैकिंग क्यों मिली थी, तो ये कुछ जाली जैसा आप लोग को मिलने वाला है, तो इसमें ये केक वगैरह रख सकते हो। ये देखिए एक साथ दोनों को पका सकते हो, यहाँ पे ये नूडल्स रख सकते हो, सकते हो यहाँ पे सारे बटन्स दिए गए हैं, लेकिन वो भी दोस्तों सोप इसके लिए है। प्लास्टिक क्वालिटी की बात करो तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी हमें मिलने वाली है। यहाँ पे दोस्तों जो धुआं वगैरह निकलता है तो वो यहाँ से सीधा बाहर चला जाएगा, वो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर मिलने वाला है आपको। तो वो बहुत दोस्तों ये मॉडर्न जैसा ही फुल फ्रेम है, तो यहाँ पर आप लोग क्वालिटी देख सकते हो। फुल फिल्म दोस्तों जो बॉडी है वो आपको सिलिकॉन मटेरियल की मिलने वाली है, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग। और आप लोग ये देखिए जो डॉल है दोस्तों वो पूरी की पूरी फ्लेक्सिबल है, ये देखिए ये आप जिस मर्जी चाहे उस मर्जी इसको मोड़ सकते हो, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग। इसका जो सिर है वो भी मूव कर रहा है और यहाँ पर ये रबड़ बैंड लगाया गया है। तो यहाँ पर बाल देख सकते हो काफ़ी लंबे और बहुत सारे मिलने वाले हैं, और फेस भी देख सकते हो। यहाँ पे दोस्तों इसने जो मॉडर्न कपड़े पहने रखे हैं वो भी आपको काफ़ी बेस्ट मिलने वाले हैं। और दोस्तों जो कपड़े हैं वो सेब की तरह ही है, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये चिमटा वगैरह। क्वालिटी दोस्तों मुझे काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितने फ्लेक्सिबल हमें बार भी मिलने वाली है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो शूज भी पहने रखे हैं, ये देखिए काफ़ी अमेजिंग। दोस्तों यहाँ पे वीडियो भी तो खत्म हुई नहीं है, लास्ट में इसका क्लोजअप लुक दिखाने हो तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। आप लोगों को इन तीन प्रोडक्ट में से कौन सा वाला प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा वो भी दोस्तों कॉमेंट्स में जरूर बताना। मुझे दोस्तों प्राइस के हिसाब से यहाँ पे ये जो वेजिटेबल कैरेट है ना वो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बेस्ट लगी, क्योंकि दोस्तों इसका जो मटेरियल है ना वो आपको काफ़ी यूनिक मिलने वाला है। यहाँ पे एक बड़ी वाली कैरेट भी मिलने वाली है और दोस्तों साथ में बहुत सारी वेजिटेबल भी मिलने वाली है जो दोस्तों किड्स की एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये मिनी किचन सेट है वो भी प्राइस के हिसाब से काफ़ी बेस्ट है। यहाँ पे दोस्तों ये जो मॉडर्न किचन सेट है वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। मॉडर्न किचन सेट में दोस्तों सबसे ज़्यादा जो पसंद आने वाली चीज़ है वो यहाँ पे दोनों
दोनों की दोनों जो डॉल है वो, क्योंकि यहाँ पे काफी मॉडर्न और यूनिक आपको डॉल मिलने वाली है। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी मेरे को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जो लोग नए हैं वो लोग हमें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में आगे भी लेके आने वाला। तो चले तो अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you.